दोस्तों, क्या आपकी फायरबोल्ट वॉच आपके मोबाइल से कनेक्ट नहीं हो रही है? आप अपने वॉच को अपने यहाँ पर फायरबोल्ट वॉच को अपने मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आपका वॉच कनेक्ट नहीं हो रहा है आपके मोबाइल से, तो आखिरकार कैसे आपका कनेक्ट होगा, इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी के साथ बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हम आपको यकीन के साथ बता सकते हैं कि अपने इस प्रॉब्लम को आप मात्र 5 मिनट में सही कर पाएंगे, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि सबसे पहला काम है कि अगर आपका वॉच कनेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको अपने वॉच की सेटिंग में जाना होगा। यहाँ पर आपके वॉच का सेटिंग दिखाई देगा, आपको अपने वॉच के सेटिंग पर क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपके वॉच का सेटिंग दिखाई देगा। सेटिंग दिखाने के बाद अब आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा जिसका नाम होता है रीसेट के नाम से कुछ होता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है। अगर यहाँ पर ना मिले तो बैक आ जाइए, इस तरीके से बैक आइए। बैक आने के बाद फिर से अपने सेटिंग के अंदर आप जाइए। सेटिंग में जाने के बाद सबसे नीचे आप आ जाइए। जब आप सबसे नीचे की तरफ आएंगे, जैसे हम यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं, तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिलेगा रीसेट के नाम से कुछ होगा, जैसा कि यहाँ पर दिया नहीं गया है, यहाँ पर सिर्फ दिया गया है फोन रीसेट। तो आप एक बार इस पर ही क्लिक कर दें और जैसे आप इसे पर क्लिक करेंगे तो आपका जो सिस्टम यहाँ पर फोन का सेटिंग होगा वो रीसेट हो जाएगा। और उसके बाद सिस्टम पर क्लिक करें, यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा रीस्टार्ट करने का, तो आप एक बार रीस्टार्ट पर क्लिक करें और यहाँ पर मिल जाएगा रीसेट करने का, तो आप रीसेट पर भी एक बार इस तरीके से क्लिक कर दें और आपका वॉच रीसेट हो जाएगा। जैसे आपका वॉच रीसेट हो जाएगा, आपका वॉच ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा 1 मिनट के अंदर, जैसा हमारा वॉच ऑटोमेटिक यहां पर चालू हो चुका है। तो पहला काम आपको ये करना होगा अपने वॉच के अंदर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका वॉच यहाँ पर ओपन हो गया है, अब आपका वॉच सब कुछ यहाँ पर रीसेट हो गया है आपके वॉच में। तो अब आपको अपने सेटिंग में जाना होगा। जैसे आप यहां से अपने सेटिंग को ओपन करेंगे, यहां पर आपको ये ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलेगा, इसे आप एक बार चालू कर लीजिए। चालू करने के बाद अब आपको अपने मोबाइल पर क्या करना होगा कि आपको अपने मोबाइल में एक बार अपना ब्लूटूथ ओपन करना होगा, यानी कि अगर आपका पहले से बंद है तो आप इसे चालू कर लीजिए, अगर आपका पहले से चालू है तो इसे आप बंद करके फिर से चालू कर लीजिए। इतना काम करने के बाद अब आपको अपने द फेड एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। आपको पता होगा कि फायरबोल्ट जो होता है वॉच, वो द फिट एप्लीकेशन का ही इस्तेमाल करके आप एक कनेक्ट कर पाएंगे, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। उसके बाद यहां पर मिलेगा वॉचेस ऑप्शन, अब आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पर मिल जाएगा आपका वॉच जैसे हमारा पहले से कनेक्ट है। तो क्या करते हैं, इसे हम हटा देते हैं। जैसे हम इसे हटा देंगे, अब यहाँ पर आ जाएगा ऐड ए डिवाइस, अब आप इस पर क्लिक करिए और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके वॉच का नेम आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। बस आपको अपने वॉच के नेम पर क्लिक करना होगा, लेकिन इतना काम करने के भी बाद आपका यहाँ पर अटैच नहीं होता है या आपको नाम दिखाई नहीं देता है, तो फिर आप क्या करेंगे कि अपने मोबाइल की आप नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करना। हम यहाँ से चलते हैं अपने मोबाइल की सेटिंग में, तो यहां से हमारा मोबाइल का सेटिंग है। सेटिंग को ओपन करने के बाद यहां पर आप टाइप करेंगे नेटवर्क सेटिंग, तो यहां पर टाइप करते हैं नेटवर्क। जैसे आप टाइप करेंगे नेटवर्क तो आपके सामने आ भी जाएगा, जैसा अभी आपके सामने आ जाता है, तो यहां पर आ जाएगा रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। तो यह सेटिंग आपको देखना होगा और इस पर आप क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद रीसेट सेटिंग पर क्लिक करिए और अपना लॉक डाल दीजिए, और जैसे आप लॉक डाल देंगे आपका नेटवर्क का सेटिंग रीसेट हो जाएगा। यहां से आपका डेटा कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे फोटो वीडियो ना आपके कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपका ब्लूटूथ का जो सेटिंग है वो आपका डिलीट हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। उसके बाद फिर से अपने ब्लूटूथ पर आ जाइए। आने के बाद अब यहाँ पर आपके वॉच का नेम दिखाई देगा, जैसा यहाँ पर अभी इसका नाम है फायरबोल्ट 039, तो आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपका पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा मात्र आप इंतजार करिए और आपके सामने आ जाएगा पेयर करने का ऑप्शन। अब आप इस पर पेयर पर क्लिक करिए और आपका जो वॉच होगा वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि अपने मोबाइल में उसी एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर फिर आपको नाम दिखाई देगा, बस आप इस पर क्लिक करिए, डन कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए, आपका वॉच होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब अपने आप वॉच का जो वॉलपेपर है वो आप यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं इस एप्लीकेशन का यूज करके। जैसा कि हमारे वॉच पर अभी एक ये वॉलपेपर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से हम चेंज करेंगे तो हमारा ये वॉलपेपर चेंज हो जा रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अगर अपना फोटो लगाना चाहते हैं तो आप एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, चूज एल्बम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपने गैलरी को चूज करेंगे।
अपनी गैलरी से अपनी फोटो को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबसे ऊपर ड्राइव पर क्लिक करेंगे और सेव कर देंगे। जैसे आप सेव करेंगे आपका फोटो आपके वॉच के स्क्रीन पर शो हो जाएगा। अभी हमारा शो नहीं हो रहा है क्योंकि हम सेव पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बता रहा है द बैटरी इज टू लो, यानी कि हमारे वॉच में अभी बैटरी लो है, हमारे वॉच में बैटरी है लगभग 20%, तो आपके वॉच में लगभग 20% से ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 30% बैटरी होना चाहिए और आपका फिर वॉच के अंदर आपका फोटो भी सेट हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है वॉच को कनेक्ट करने का। अगर आपको अभी भी कोई भी परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।